नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल इंजीनियरिंग नोटिफिकेशन। आज हमारा टॉपिक है लाइट वेट एयरक्राफ्ट। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली हम सभी को पता है कि कोई भी चीज़ उड़ती कैसे है। किसी भी चीज़ को उड़ने के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब आपको ग्रेविटेशनल, किसी भी चीज़ की जो वेट है उसकी ग्रेविटी से उसका थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, इसके कारण आपकी प्रोडक्ट जो भी आपका आइटम है वो उड़ेगा। इसीलिए ये जो थ्रस्ट पैदा करता है, तो थ्रस्ट के लिए विंग्स प्लस हमारा प्रोपेलर, ये दोनों चीज़ मिलके हमको थ्रस्ट पैदा करती है और इससे चीज़ें उड़ती हैं। हमारा जो ग्राउंड थ्रस्ट है, ग्राउंड थ्रस्ट चीज़ों को आगे लेके हवा में आगे लेके जाता है। ये प्रोपेलर जो है, ये प्रोपेलर हमारा एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर है, जिसकी हाइट, जिसकी हम लेंथ बात करेंगे तो ये 4 फीट के अराउंड इसकी लेंथ है। ये वुडन में बना हुआ है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आपका इंजन कोई सा भी हो सकता है, आपका क्लॉकवाइज इंजन ले सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज इंजन ले सकते हो, जो कि 25 HP, 30 HP, 35 HP, 40 HP तक का आप इंजन ले सकते हो, जिसमें आपका नियर अबाउट आपको थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट 350 या 400 के आसपास आपको थ्रस्ट चाहिए, जिसके कारण आपके 450 kg के वेट को उड़ने में सहायता मिल सकती है। ये एक प्रोपेलर के साथ में ही आपको जो विंग्स हैं, विंग्स में फेरूल्स लगे रहते हैं, जिसके मूवमेंट से हम फ्लाइट के डायरेक्शन और फॉरवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।